शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ में ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर एक बड़ा रहस्य जो है वो पब्लिक के सामने आया है। सबसे बड़ी बात कि संजय राउत ने अब कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अनिल देशमुख की मुश्किलें काफ़ी भयानक तरीके से बढ़ सकती है। अनिल देशमुख के बारे में आप सबको पता ही होगा, ये अभी कुछ टाइम पहले तक जेल के अंदर बंद थे। इनके ऊपर कई बड़े गंभीर आरोप लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग के, और ईडी की टीम ने इनको गिरफ्तार करके रखा था, लेकिन अब ये जो है जमानत पर रिहा हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी विधायक अनिल देशमुख ने खुलासा किया कि उन्हें 2 साल पहले बीजेपी से ऑफर मिला था। साथ ही कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार जो है तभी गिरती, इसके बाद शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने इस गोपनीय विस्फोट पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। इस समय उन्होंने उल्लेख किया कि देशमुख के पास इस बात के सारे सबूत हैं, और ये सबूत उन्होंने सबूत के तौर पर शरद पवार को भी दिखाए हैं। यही नहीं, जैसा कि अपडेट आ रही है, संजय राउत ने कहा कि अनिल देशमुख ने जो कह रहे हैं वह सच है, मुझे पूरा मामला पता है, लेकिन अनिल देशमुख के पास सबूत है कि अनिल देशमुख को किस तरह के दबाव में उनको बीजेपी ने रखा था, बीजेपी ने उन्हें क्या ऑफर दिया था। इतना ही नहीं, उनके पास इससे जुड़े कुछ वीडियो भी है। संजय राउत के द्वारा सीधा सीधा दावा किया गया। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि क्या सच में संजय राउत के पास में, अनिल देशमुख के पास में इस तरह का वीडियो है या नहीं, लेकिन यहाँ पर संजय राउत के द्वारा इस तरह का दावा कर दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर संजय राउत के और अनिल देशमुख की भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। बाय द वे, आपको क्या लगता है, क्या अनिल देशमुख सच में कोई सबूत दिखा पाएंगे, या फिर ऐसा लगता है कि संजय राउत के द्वारा किया गया ये दावा भी पूरी तरह से फेल होगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।